नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईटीबीपी का फॉर्म जो है ऑनलाइन किस तरह से आपने उसको फिल करना है वो बताने वाला हूं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध कर देता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। और भी एक चीज रिमाइंडर आपको दे दूं, अगर आपने हमारी लेटेस्ट 10 वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, आपको उनमें 10वीं पास 10,000 से ज्यादा वैकेंसियां मिल जाएंगी। तो ये कुछ वीडियोस हैं, इन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो ये है वो फॉर्म जहां पे मैंने आईटीबीपी की पूरी डिटेल दी थी और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया था। ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस पेज का। ये हमारी वेबसाइट है समझ आया क्या .in। चलिए, तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको जो है डिटेल बता देता हूं। 303 इसमें वैकेंसी थी और दोस्तों इसमें अप्लाई ऑनलाइन ही आप कर पाएंगे। डिफेंस की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको बता दूं इसमें दो कैटेगरी में पोस्टों को डिवाइड किया गया है, एक 10वीं पास के लिए और एक 10वीं पास विद एक्सपीरियंस के लिए। चलिए पहले मैं आपको एक्सपीरियंस वाली पोस्ट बता देता हूं। टेलर, गार्डनर, कॉबलर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 10वीं पास तो होनी चाहिए और 2 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI के थ्रू होना चाहिए और एटलीस्ट उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, 2 सालों का डिप्लोमा ले आइए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो पोस्टें हैं वाटर कैरियर, ये सफाई कर्मचारी, कुक, वॉशरमैन एंड बार्बर की पोस्ट, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। एज लिमिट 18 साल से 25 साल है यहाँ पे। तो अब मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। एज लिमिट SC ST के लिए 5 सालों की और 3 सालों की OBC के लिए है। बाकी सभी लोग विजिट कर लें डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे। चलिए, मैं और कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। अब अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक है, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट इसकी पूरी डिटेल खुद रीड करना चाहते हैं तो वो ये लिंक मैंने दिया है डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट का। तो फिलहाल हम अप्लाई करने वाले हैं तो यहां पे करेंगे क्लिक। तो ये देखिए यहां पे हम आ गए हैं आईटीबीपी की वेबसाइट पे। तो ये है वो लिंक, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप वही पेज पे आके आ सकते हैं। मैं आपको जूम करके बता देता हूं एक बार। नहीं, ये जूम नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए। इसे आप प्लीज नोट कर लीजिए अपने पास जो भी इसे करना चाहता है। ठीक है, और ये है रिक्यूरमेंट ITBPpolice.nic.in। अब ये देखिए यहां पे रजिस्टर्ड यूजर पे आपको क्लिक करना है और यहां पे अब आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। चलिए मैं विवेक, उसके बाद ये नाम पूछ रहा है, लास्ट नेम कुमार, ईमेल आईडी ये मैंने डाल दी और उसके बाद ये यहां पे कॉपी करके नहीं चलेगा भैया, VLOU@BMANI.com। चलिए अब पासवर्ड पासवर्ड मैं आपको बताता हूं मैंने किस तरह से रखा। मैं हर बार बताता नहीं हूं, ऐसे समझाता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको लिखकर बताऊंगा। चलिए ये मैंने डाल दिया इस तरह से कुछ, शुभम @123, जैसे आपके किसी फ्रेंड का नाम है, प्लेस का नाम है, तो S मैंने रखा बड़ा, उसके बाद सारा स्मॉल में और @123। ठीक है, चलिए अब ये पासवर्ड हो गया। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है जनवरी, या हाँ जनवरी जाने देते हैं हम, और 95 और 1 तारीख। ठीक है, उसके बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं रख देता हूं, मूवी का नाम, किसी भी मूवी का नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप रख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है कल को अगर आप पासवर्ड कहीं भूल जाएं तो आपको याद रहे पासवर्ड, पासवर्ड को रिकवर करने के लिए ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तब कि बताओ भैया क्या रखा था आंसर आपने। ठीक है, उसके बाद F8 ये कोड है, F8AIS। ठीक है, ये यहां पे लिखा और अब मैं इसको कर देता हूं सबमिट। कहते हैं न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मिसमैच, अच्छा मेरे पासवर्ड सेम नहीं है, चलिए मैं एक बार फिर से कर देता हूं, गलती हो गई होगी कहीं, मैंने कर दी होगी। चलिए और अब मैं कर देता हूं इसे सबमिट। चलिए ये कह रहे हैं यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब मेरी ईमेल आईडी भी अब मैसेज गया होगा, मैं एक बार उसे चेक कर लेता हूं वेट करके। तो ये देखिए यहां पे ये फेसबुक का आ रहा है,
अभी हाँ ये देखिए डोंट रिप्लाई यहाँ पे आ भी गया मैसेज, हाय विवेक्स। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैसेज हो गया ओपन। ये कह रहे हैं प्लीज क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखिए मैं अपने आप ही उस वेबसाइट पे अब वापिस आ गया। अब मुझे यहाँ पे दोबारा से ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है आगे का फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए और उसके बाद ये कैपेज है यू एम ई आई के, ठीक है, और ये कर दीजिए लॉग इन। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होगा। ठीक है, जब तक आपके पास लिंक नहीं आएगा तब तक आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ पोस्टें हैं, आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके आगे लाइव पे क्लिक कर लीजिए, या फिर ये साइड पे ऑप्शन है अप्लाई का, यहां पे कर सकते हैं, या फिर ये सबसे पहले अपनी इमेज को अपलोड कर दीजिए, वो भी बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं यहां से अप्लाई से स्टार्ट करता हूं। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले इमेज अपलोड कीजिए, चलिए हम करेंगे अपलोड। अब जो पोस्ट है वो कोई वॉशरमैन की पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं अपलोड। और यहां पे फोटोग्राफ आपकी 30 KB से लेकर, सॉरी, फोटोग्राफ आपकी 30 KB से लेकर 100 KB तक चल जाएगी। पेंट में भी आप अपनी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। चलिए ये पिक्चर्स आ गया डी फोल्डर एंड टेस्ट फोल्डर, और ये है 49 KB की, 50 KB की ये फोटो है। उसके बाद ये साइन है 23 KB के, साइन जो थे वो 15 से 30 KB के बीच में ही चलेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अपने से नहीं बता रहा। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाइए और आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मेरे फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, बस आपको अब यहां पे बैठ जाना है। उसके बाद यहां पे ये अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये देखिए मुझे अब कह रहे हैं योर नेशनलिटी नॉट एलिजिबल, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चित रहिए आपको भी शायद यही ऑप्शन आएगा, लेकिन आपने क्या करना है यहां पे प्रोफाइल डिटेल पे चले जाना है, पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पे डिटेल फिल करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ 8716047308। दोस्तों एक चीज बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए फास्ट अपडेट पाने के लिए, सिंपल फेसबुक पे सर्च कर लीजिएगा समझ आया क्या। चलिए उसके बाद ये फादर नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम दे देते हैं विक्रम कुमार। ठीक है, उसके बाद ये मदर नेम रानी देवी। ठीक है, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मेरी थी, अब कंट्री है इंडिया। उसके बाद एड्रेस, मैं सिंपल एक एड्रेस आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी में खाली भर रहा हूं, आप प्लीज अपना जो कंप्लीट एड्रेस होता है उसे ही भरिएगा। एड्रेस टू जम्मू, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और डिस्ट्रिक्ट मेरी जम्मू है, और पिन कोड 180010 जो है वो लगा दीजिएगा। अब मैंने यहां पे टिक क्यों लगाया, क्योंकि मेरे दोनों एड्रेस सेम है। अगर आप कहीं रेंट पे वगैरह रहते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो फिर आप कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस की जगह लिखेंगे उसे। ठीक है, अब मेरा ये नहीं है। अब मुझे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास थी, तो आप देख लीजिए जो भी आपको देनी है। चलिए मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स दे देता हूं आज, और इंस्टीट्यूट नेम था मेरा कॉमर्स कॉलेज और वहां पे मैंने दिया है वो। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो आपको बताने के लिए कर रहा हूं, खाली ये स्पेलिंग गलत हो गए। ठीक है, चलिए, अरे यार चलो। उसके बाद ये परसेंटेज 80%, कितनी परसेंटेज आपकी टोटल वो बता दीजिए। उसके बाद ये मेल, ये अनमैरिड, और ये कैटेगरी मेरी एससी थी, और एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट जॉब, भैया मैं नहीं हूं, ना मैं गवर्नमेंट इंप्लॉय हूं ना ही मैं एक्स सर्विसमैन हूं, तो इसमें कहीं भी टिक नहीं लगाना। और ये पूछ रहा है कि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं, रिस्ट्रिक्टेड 80 से लेके 89 के बीच में, तो जो लोग इनके बीच में है वहीं आइएगा। और कोई किल्ड हुआ था आपका 1984 के दंगों में, नहीं वैसा भी नहीं है, और 2002 के डिपेंडेंट किल कोई भी नहीं है भैया, तो आपको बस उसके बाद कर देना है सबमिट। ये कह रहा है काइंडली सिलेक्ट रीजन, रिलीजन रह गया मेरा, ये है मेरा हिंदू, सॉरी ये मैं बताना भूल गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब मैं कर देता हूं इसे सबमिट। चलिए तो ऑलमोस्ट मेरा डेटा हो चुका है सेव। अब जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे आपको आएगा अप्लाई फॉर जीरो फीस। तो जिस भी पोस्ट के लिए करना है वो है वॉशरमैन की, अप्लाई फॉर जीरो फीस। मेरा जो एक प्रोफाइल था वो बन गया, अब मैं किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो ये देखिए कांस्टेबल की पोस्ट, और मैं कर देता हूं यहां पे एग्री, और अब नेक्स्ट, अब फिर से एक बार नेक्स्ट, और यहां पे एग्री और सबमिट।
और मेरा फॉर्म बनके हो चुका है तैयार, ये देखिए। और अब मैं यहां पे करूंगा क्लिक, और ये देखिए मेरा डेटा यहां पे मुझे सारा सारा बता रहा है। मैं कह रहा हूं व्यू एप्लीकेशन, ये देखिए यहां पे आ गया। तो अब मुझे यहां पे अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है ऐसे करके, और मुझे फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर करना लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी की काम आ सकती है। दूसरी बात, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के फास्ट अपडेट पाने के लिए। और सबसे जरूरी बात, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझ आया क्या?